हेलो किड्स यू यू आई होप ऑल आर तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट लास्ट चैप्टर में हमने स्क्वायर हम होता हैज इक्वल इज कॉल्ड ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो थ्री डी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वो क्या कहलाता है क्यूब हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड वन सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ टू सेंटीमीटर हाउ मैनी क्यूब ऑफ साइड वन सेंटीमीटर विल मेक अब ऑफ थ्री सेंटीमीटर टू गेट द आंसर लुक एट दिस फिगर ये क्या है वन क्यूब यहां कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में नाइन क्यूब लेटस्ट कंसिडर द नंबर वन एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर दीज आर परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर ये क्या है वन एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर ये क्या है परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर कैन यू से वाई दे आर नेम सो ईच ऑफ दैम इज ऑप्टेन वेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इट्स थ्री टाइम्स कैसे मिलते हैं जैसे कि एट है अगर हम टू इंटू टू इंटू टू करेंगे तो क्या हो जाएगा एट मीन्स टू को हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया एट सेम वे अगर थ्री को थ्री टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी सेवन फॉर अ गिवन नंबर एन वी डिफाइंड क्यूब ऑफ एन क्या हो जाएगा एन इंटू एन इंटू एन मीन्स एन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोटेड बाई एन इज टू पावर थ्री क्यूब को इस तरीके से लिखते हैं दे फॉर अचुरल नंबर इज सेट टू बी द परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ समचुरल नंबर वी कैन एक्सप्रेस अ परफेक्ट क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर गिवन बिलो आर द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी नेचुरल नंबर वन का क्यूब क्या हो जाएगा वन इंटू वन इंट वन थ्री टाइम्स वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा टू का क्यूब हो जाएगा एट थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन फोर का सिक्सटी फोर फाइव का वन ट्वेंटी फाइव सिक्स का टू हंड्रेड सिक्सटीन सेम वे यहाँ पे आपको ट्वेंटी तक नंबर दिए गए जिनके क्यूब दिए गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग क्यूब्स फर्स्ट हमारा है फिफ्टीन का क्यूब मीन्स फिफ्टीन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन तो फिफ्टीन का क्यूब क्या हो जाएगा फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन ये हो जाएगा थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव सेम वे माइनस सेवन का क्यूब है मीन्स माइनस सेवन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये दोनों तो माइनस ये और ये माइनस हो जाएंगे प्लस और एक माइनस बच जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री फोर्टी थ्री सेवन अपॉन नाइन रेशन नंबर क्यूब है तो सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन न्यूमरेटर में कर देंगे तो अपॉन सेवन ट्वेंटी नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रूव दैट फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज अफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर इज टू हंड्रेड सिक्सटीन फर्स्ट हमें क्या करना है हमें देखना है कि फाइव हंड्रेड ट्वेल्व परफेक्ट क्यूब है कि नहीं तो so, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और यहां पे हम थ्री का पेयर बनाएंगे एक ही हो जाएगा देखो तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि थ्री थ्री के पेयर बन रहे हैं। एक ये पेयर बन गया एक ये पेर बन गया और एक ये पेयर बन गया तो टू इंटू टू इंटू टू क्या हो गया एट और टू इंटू टू इंटू टू एट टू इंटू टू इंटू टू एट तो एट का क्यूब तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व किसका क्यूब हो जाएगा एट का क्यूब या फिर हम ऐसे कर सकते हैं यहां से हमने इन तीनों में से एक टू तो निकाला यहाँ से एक यहां से एक तो ये कितना हो गया टू टू सा फोर फोर टू सा एट एट का क्यूब क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इसमें क्या बन रहा है थ्री थ्री का पेयर बन रहा है दैट मीन्स फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एट नेक्स्ट अगर क्यूब ने ऐसे पेयर नहीं बनते दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर जो आपको गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स फर्स्ट है क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा जैसे टू का क्यूब एट है नेचुरल नंबर है एट का क्यूब फाइव है तो किसी भी नंबर का जो क्यूब होगा नेचुरल नंबर का क्यूब वो नेचुरल नंबर ही होगा नेक्स्ट है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड जितने भी नेचुरल ऑड नंबर है उनका क्यूब क्या होगा ऑड होगा जैसे थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन ऑड है फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव ऑड है तो जितने भी ऑड नंबर है उसका क्यूब क्या हो जाएगा ऑड क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो इवन है उनका जो क्यूब होगा क्या होगा इवन होगा जैसे फोर का क्यूब सिक्सटी फोर ईवन नंबर है सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटीन नंबर है नेक्स्ट है क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव किसी भी जो नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा क्यों क्योंकि थ्री टाइम्स कर रहे हैं सपोज माइनस टू है माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू तो टू टाइम्स होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एट अंडरस्टैंड सो माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस एट माइनस थ्री का जो क्यूब होगा माइनस ट्वेंटी सेवन तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनका क्यूब क्या होगा नेगेटिव होगा क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब जो होगा वो रेशनल नंबर ही होगा जैसे पी अपॉन q का क्यूब है तो p का क्यूब अपऑन q का क्यूब अब p की वैल्यू यहाँ पे टू दे है q की थ्री तो इसका क्यूब हो जाएगा टू का क्यूब अपन थ्री का क्यूब टू का क्यूब क्या होता है एट और थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन ये क्या है रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर का क्यूब हमेशा रैशनल नंबर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्यूब्स द एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड नंबर कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले ऑर्ड नंबर जैसे वन वन का क्यूब क्या होता है one. उसके बाद थ्री प्लस फाइव एट हो जाएगा जो कि टू का क्यूब है उसके बाद जाते हैं सेवन नाइन अलेवन तो हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थ्री का स्क्वायर उसके बाद आ जाएंगे थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन फोर कॉन्जिकटिव ऑर्ड नंबर है सिक्सटी फोर फोर का क्यूब है इस तरीके से हम देखेंगे जो एडिशन होगा कॉन्जिकटिव ऑर्ड नंबर वो क्यूब होगा जैसे पहले वन का किया फिर टू ऑर्ड नंबर्स का फिर थ्री फिर फोर ऑर्ड नंबर्स इस तरीके से करेंगे द सम ऑफ क्यूब ऑफ कॉन्जिकटिव नंबर वन का क्यूब क्या हो जाएगा वन सेम वही वन के स्क्वायर की भी वैल्यू होती है नेक्स्ट वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब हो जाएगा नाइन वो किसके बराबर हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यानी थ्री के स्क्वायर के फिर उसके बाद वन का क्यूब टू का क्यूब और थ्री का क्यूब दैट मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री अगर इसकी वैल्यू ऐड करें तो ये हो जाएगा वन प्लस एट प्लस ट्वेंटी सेवन टोटल कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स वो किसके बराबर होगा वन प्लस टू प्लस थ्री यानी कि सिक्स सिक्स के स्क्वायर यानी थर्टी सिक्स के, के बराबर इस तरीके से हमें करना है नेक्स्ट है फाइंड सेवन का क्यूब हमें सेवन का क्यूब निकालना है टू सॉल्व सेवन क्यूब वी नीड टू ऑबेन द सेवन ऑड नंबर विच आर एडेड टू गेट सेवन का क्यूब फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द दिक्कत ट्राइंगर नंबर यूजिंग द फॉर्मूला एन एन प्लस वन अपॉन टू तो ये क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस वन अपॉन टू तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू सेवन अपॉन टू यानी ट्वेंटी वन नाउ डबल ट्वेंटी वन एंड एड वन टू एट ट्वेंटी वन इंटू टू प्लस वन कर दिया हमने तो यह आ जाएगा फोर्टी टू प्लस वन फोर्टी थ्री तो देर फॉर फोर्टी थ्री इज द फर्स्ट ऑड नंबर तो सेवनटी सेवन का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा फोर्टी थ्री प्लस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी सेवन प्लस फोर्टी नाइन प्लस फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी थ्री प्लस फिफ्टी फाइव यानी थ्री फोर्टी थ्री तो फर्स्ट ऑर्ड नंबर क्या होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया हमने किया सेवन ऑर्ड नंबर से मिलके बना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऑर्ड नंबर से मिलके बना है हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे पहले जो सिक्स जो ट्राइंगुलर नंबर है फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द दिक्स ट्राएंगुलर नंबर यूजिंग द फार्मूला इस फार्मूला का यूज करेंगे एन एन प्लस वन तो सिक्स सिक्स प्लस वन किया ये आगे अपॉन टू किया तो ट्वेंटी वन आ गया अब हम क्या करेंगे अब हम इसको डबल करेंगे और वन ऐड कर देंगे यानी ट्वेंटी वन इंटू टू प्लस वन फोर्टी टू प्लस वन फोर्टी थ्री तो जो फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा फोर्टी थ्री उसके बाद के जो हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड नंबर है वो लिखने हैं टोटल सेवन नंबर लिखने हैं तो वो जो आएगा थ्री फोर्टी थ्री वो होगा सेवन का क्यूब सेम वे फाइंड द टेंथ क्यूब टेन का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है टू सॉल्व टेन का क्यूब वी नीड टू ऑप्टेन द टेन ऑर्ड नंबर विच आर टू बी एडेड टू गेट टेन क्यूब फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द नाइन्थ ट्राइंगुलर नंबर यूजिंग द फॉर्मूला अगर हम नाइन ट्राइंगर नंबर फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे एन एन प्लस वन अपॉन टू तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन प्लस वन यानी टेन तो नाइन टू टेन यानी नाइन्टी अपॉन टू हो जाएगा फोटी फाइव अब हम क्या करेंगे इसको डबल कर देंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे वन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा नाइन्टी प्लस वन यानी नाइन्टी वन तो फर्स्ट जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा नाइन्टी वन उसके बाद की कोजिक्यूटिव नाइन ऑर्ड नंबर लिख देंगे उनका जो सम होगा वही टेन का क्यूब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ अ क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर इज ऑप्टेन बाई मल्टीप्लाइंग करके हम क्या करते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर ऑप्टेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्राइजेशन ऑफ ट्वेल्व क्यूब सो ट्वेल्व टू पावर थ्री क्या हो जाएगा 12 इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व को कैसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू फोर थ्री इंटू फोर थ्री इंटू फोर थ्री इंटू फोर अब देखिए 3 टाइम्स 3 आ रहा है हमने तो लिख दिया थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अब थ्री टाइम्स फोर आ रहा है तो हमने फोर इंटू फोर इंटू फोर लिख दिया तो थ्री का क्यूब इंटू फोर का क्यूब नेक्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्वेंटी टू पावर थ्री यानी ट्वेंटी का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है ट्वेंटी को हम कैसे लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू फाइव हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू फाइव इसका क्यूब कर देंगे मीन्स टू इंटू टू इंटू फाइव थ्री टाइम्स है वन टाइम टू टाइम एंड थ्री टाइम अब हम टू इंटू टू यहाँ से आ गया टू इंटू टू टू इंटू टू टोटल कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम टू लिख देंगे एंड थ्री टाइम फाइव तो जाएगा टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर थ्री 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 के पेयर बना लेंगे तो जाएगा टू की पावर थ्री अगेन टू की पावर थ्री और फाइव की पावर थ्री तो इस तरीके से हम लिख देंगे नेक्स्ट है टू मेक अ परफेक्ट क्यूब टू मेक अ परफेक्ट क्यूब नंबर इज प्राइम फैक्टर शुड बी इन ग्रुप ऑफ थ्री आइडेंटिकल नंबर लाइक टू की पावर थ्री इंटू सेवन की पावर थ्री 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 का जो होता है पेयर बनना चाहिए सेम नंबर का नेक्स्ट है फाइंड आउट इफ टू फोर्टी थ्री इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे टू फोर्टी थ्री का हम थ्री थ्री के पेयर बनाएंगे एक ये बन गया लेकिन ये जो है ये टू का ही पेयर है एक थ्री मिसिंग अगर एक थ्री और होता तो ये भी एक पेयर बन जाता तो प्राइम फैक्ट्रेशन टू फोर्टी थी, थ्री थ्री टू पावर थ्री इंटू थ्री टू पावर टू तो हम कह सकते हैं टू तो फोर्टी थ्री क्या है एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है नाउ वन ग्रुप ऑफ थ्री आकर ओनली टू टाइम्स नॉट थ्री टाइम्स सो टू फोर्टी थ्री इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब अब इसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे नाउ टू मेक अ परफेक्ट क्यूब टू फोर्टी थ्री इज नीट टू बी मल्टीप्लाई बाई वन थ्री सो देट टू फोर्टी थ्री टू थ्री पावर थ्री इंटू थ्री इज टू पावर थ्री अगर एक थ्री से हम और मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा थ्री इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच टू फोर्टी थ्री इज टू बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब दर फॉर परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री वो जाएगा सेवन ट्वेंटी नाइन तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सॉलिड चेक इफ थ्री थर्टी एंड टू सिक्सटीन आर क्यूब नंबर्स और नॉट तो हम कैसे चेक करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे थ्री थर्टी का करके देखते हैं टू से डिवाइड हो जाएगा टू वन जेट टू टू सिक्स ट्वेल्व टू फाइव जो टेन अब ये थ्री से डिवाइड होगा थ्री फाइव फिफ्टीन वन थ्री फाइवजा फिफ्टीन अब ये फाइव से डिवाइड होगा अलेवन अलेवन ये वन तो देखिए किसी का भी पेयर थ्री का पेयर नहीं बन रहा दैट मीन्स ये क्यूब नंबर नहीं है सेम वे हम टू सिक्सटीन का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे अगर थ्री थ्री का पेयर बनता है दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं बनता तो वो नहीं है नेक्स्ट हमारा एग्जांपल लाइन है वॉट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 2560 must be multiplied to make it a perfect cube. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2560 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3, 3 का पेयर बना लेंगे अब देखिए 5 यहाँ पे क्या है एक सिंगल 5 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू टू एक पेयर ये हो गया फिर 2 इंटू टू टू इंटू टू इंटू टू और फाइव सिंगल है देट मीन्स टू टाइम्स फाइव और आता तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता तो क्या करेंगे हैज वन फाइव एज अ फैक्टर देयर फोर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी मल्टीपल्टीपलिवर्सिटी में मल्टीप्लाई बाय फाइव इंटू फाइव यानी ट्वेंटी फाइव से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट इज क्यूब रूट If volume of a cube is 64 meter cube, what would be the length of its side? To obtain the length of the side of the cube, we have to know the number whose cube is 64. Cube 64 we know that 2 is to cube, 8, 2 ka cube ki 8. Therefore, we say that the cube root of 8 is 2. Thus a natural number n is the cube root of the नंबर एम इफ़ एम इक्व टू एन की पावर थ्री या एन का क्यूब फॉर एनी नंबर एन यह क्यूब रूट ऑफ एन इज कॉल्ड अ रेडिकल एन इज कॉल्ड द थ्री इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल देखिए क्यूब रूट ऑफ़ लिखा है दैट मीन्स इसका क्यूब रूट है इसमें एन क्या होगा रेडिकेंड और थ्री क्या कहलाएगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल द सिंबल क्यूब रूट ऑफ थ्री डिनोट्स द क्यूब रूट ये जो सिंबल है ये क्यूब रूट को डिनोट करता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व का क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्ट्रेशन किया हमने थ्री थ्री के पेयर बना लेंगे ठीक है माइनस में है क्योंकि माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व है तो हमने यहाँ पे माइनस और क्यूब रूट ऑफ तो माइनस को बाहर रखेंगे टू टू इंटू टू एक टू यहाँ से आ जाएगा एक टू यहाँ से और एक टू यहाँ से नहीं टू टू जो फोर फोर टू जा एट किसी भी माइनस जो नेगेटिव नंबर होता है उसका क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस एट इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज़ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट नंबर हमारा है सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स का प्राइम फैक्ट्रेशन करेंगे हम 17576 थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स टू से डिवाइड करेंगे टू एट जो सिक्सटीन वन टू सेवन जो फोर्टीन वन टू एट जिक्सटीन वन एंड टू एट जो सिक्सटीन अगेन टू से डिवाइड करेंगे टू फोर जो एट टू थ्री ज़ा सिक्स टू नाइन ज़ा एटीन एंड टू फोर ज़ा एट अगेन टू से डिवाइड करेंगे टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू नाइन ज़ा एंड टू सेवन अब ये होगा थर्टीन से डिवाइड तो ये आ जाएगा वन सिक्स नाइन अगेन ये थर्टीन से डिवाइड होगा लेगा थर्टीन थर्टीन एंड वन अब देखिए थ्री थ्री के पेयर बना लेंगे टू टू का एक पेयर बन जाएगा एंड थर्टीन का तो ये हो जाएगा टू इंटू थर्टीन यानी कि ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स का क्यूब रूट क्या हो जाएगा सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो इस तरीके से प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ वन पॉइंट सेवन टू एट वन पॉइंट सेवन टू एट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है डेसीमल हटा दिया हमने डेसीमल के बाद थ्री डिजिट है तो नीचे थ्री ज़ीरो आ गए अब हम सेपरेटली वन थाउजेंड हंड्रेड ट्वेंटी एट का क्यूब रूट और थाउजेंड का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ हमने वन थाउजेंड हंड्रेड ट्वेंटी एट का प्राइम फैक्ट्रेशन किया थ्री थ्री के पेयर बना लेंगे थ्री थ्री एंड थ्री तो क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री और यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू फाइव तो ये हो जाएगा टू इंटू टू यानी कि फोर इंटू थ्री ट और ये हो जाएगा टू इंटू फाइव यानी टेन तो ये हो जाएगा तो इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट है टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर एस्टिमेशन एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन एस्टिमेशन मैथड से करेंगे टेक द क्यूब नंबर ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ थ्री डिजिट बिगनिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और थ्री डिजिट का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा वन सिक्सटी सेवन एक ही हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा ट्वेल्व बच जाएगा तो सेकेंड ग्रुप ट्वेल्व का हो जाएगा द फर्स्ट ग्रुप वन सिक्सटी सेवन विल प्रोवाइड अज द यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट मीन्स जो यूनिट डिजिट क्या होगी सेवन होगी द नंबर वन सिक्सटी सेवन एंड विद सेवन एंड वी नो दैट सेवन कम्स एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर वेन इट क्यूब रूट एंड विथ थ्री मीन्स जो सेवन कब आएगा यूनिट प्लेस पे जब किसी जो नंबर है उसका थ्री से एंड हो रहा हो तभी आएगा नाउ टेक अनदर ग्रुप ट्वेल्व टू का क्यूब क्या होता है एट और थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन मीन्स एट और ट्वेंटी सेवन के बीच में ट्वेल्व आएगा यानी टू का क्यूब और थ्री के क्यूब के बीच का कोई नंबर होगा देयर फोर वी टेक द यूनिट प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर टू एज द टेंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट देयर फोर हमने एक एस्टिमेट कर दिया यूनिट प्लेस में थ्री आ जाएगा और जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा टू तो इस तरीके हमने से हमने एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकाल दिया नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से तो सबसे पहले क्या करेंगे राइट right साइड से थ्री का पेयर बनाएंगे तो एक थ्री का पेयर बन जाएगा ये हो जाएगा फाइव सेवेंटी सिक्स फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा दूसरा ग्रुप हो जाएगा सेवनटीन जिसमें कि टू डिजिट नंबर है ठीक है मेक अ ग्रुप ऑफ थ्री डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ तो ये हो जाएगा 17 ऑफ 576 इन विच 576 हैज थ्री डिजिट एंड 17 हैज़ टू डिजिट अब हम देखेंगे 576 जो है सिक्स इज एट द यूनिट प्लेस उसमें यूनिट प्लेस पे क्या है सिक्स देर फॉर द यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज सिक्स मीनस जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालना है वो क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए यूनिट प्लेस पे सिक्स आना चाहिए क्योंकि सिक्स का क्यूब है वो सिक्स से एंड होता है थर्टी सिक्स से जैसे कि सिक्स से एंड होता है नाउ टेक द अनदर ग्रुप जो क्या क्या है सेवनटीन सेवनटीन किसके बीच में आता है टू का क्यूब है एट उसके बाद थ्री का क्यूब क्या है ट्वेंटी सेवन तो एट और ट्वेंटी सेवन के बीच में सेवनटीन आता है एंड सेवनटीन लाइज बिटवीन एट एंड ट्वेंटी सेवन द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू एंड थ्री इज टू द यूनिट प्लेस ऑफ टू इज टू एंड टेक इट एज अ प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स देर फोर सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स का क्यूब रूट क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स तो इस तरह के एस्टिमेशन मैथड का यूज़ करके हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है तो ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न